अब हम लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। हम लोग सबसे पहले पे बैक पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला था, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, यही था ना पे बैक पीरियड के लिए। पे बैक पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या था, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो। ये कैसे, मान के रखो कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है हम लोग को 30,000। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 30,000, और कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है 6,000 पर एनम, 6,000 पर एनम फॉर 10 ईयर तक, 6,000 पर एनम फॉर 10 ईयर। तो इस टाइम में हम लोग पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, तो कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है कितना, 30,000 डिवाइड बाय कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 6,000, तो ये कितना आ गया, 5 ईयर। तो हम लोग का पे बैक पीरियड कितना आ गया, 5 ईयर। तो ये पे बैक पीरियड हम लोग सीखे थे। अब एक कैसा पे बैक रेसिप्रोकल, पे बैक रेसिप्रोकल वो कैसे निकालते थे हम लोग, तो उसमें क्या करते थे, बस इसको रेसिप्रोकल कर देते थे। तो कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, यही करते थे ना। तो इस टाइम में कितना आ जाएगा, 6,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, कितना परसेंटेज, तो 6,000 डिवाइड बाय 30,000, तो ये आ गया 20%। कितना आ गया, 20%। तो ये क्या चीज़ है, रेसिप्रोकल पे बैक। तो इस दोनों मेथड में हम लोग जो कैश इनफ्लो लेते थे, इस दोनों मेथड में हम लोग कैश इनफ्लो लेते हैं, वो कैश इनफ्लो का क्या चीज़ था, विदाउट डिस्काउंटिंग, मतलब डिस्काउंट किए हुए के बगैर था, कि हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट नहीं करते थे कैश इनफ्लो को। अब हम लोग जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड समझेंगे, उसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करने के बाद, कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करने के बाद जो हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दोनों में फॉर्मूला क्या चीज़ होगा, डिफरेंट में फॉर्मूला में क्या डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड पे बैक में क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड पे बैक में कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। बस इतना ही डिफरेंस है कि हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक में क्या चीज़ करेंगे, उसमें डिस्काउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पे बैक पीरियड निकालेंगे। और पे बैक पीरियड में नॉर्मली क्या था, डिस्काउंटिंग नहीं करते थे। तो इसी सम्स में कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है, 30,000, कैश इनफ्लो कितना दे रखा है, 6,000, और फॉर कितना पर एनम, फॉर 10 ईयर तक, और यहाँ पे दे रखा है डिस्काउंटिंग रेट फैक्टर का रेट कितना दे रखा है, मतलब के ई कितना दे रखा है, 15%, के ई कितना दे रखा है, 15%। तो हम लोग कैसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालेंगे, वो चीज़ अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसको चलिए बुक से ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ आ गया, ईयर आ गया, ईयर 1, 2, 3, 4, 10 तक, कैश फ्लो कितना, 6,000 6,000 करके हम लोग को दे रखा है, कैश फ्लो कितना दे रखा है, 6,000 करके, पीवी फैक्टर एट द रेट 15%। ये कैसे निकालेंगे, तो 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू के, तो कितना आ गया, 8,6,995, तो इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करने के बाद 8,70 आ गया, फिर 0.756 आ गया, फिर इसी तरह से हम लोग क्या चीज़ निकालिए, पीवी फैक्टर निकालिए। अब कैश फ्लो को, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू को फिर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फैक्टर में जाएंगे, क्यूमुलेटिव फैक्टर जो हम लोग क्या चीज़ में करते थे, पे बैक पीरियड में क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालते थे ना। क्यूमुलेटिव फैक्टर कैसे निकलता, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही हो गया, सेकेंड में जाकर के क्या हो जाएगा, 5,2,220 + 4,536, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 9,736, फिर थर्ड ईयर के लिए 9,756 + 3,948, तो कितना आ गया, 13,704। इसी तरह से हम लोग क्या चीज़ निकाले, क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाले। अब हम लोग का कैश आउटफ्लो कितना दे रखा होता, कैश आउटफ्लो कितना था, 30,000, कितना था, 30,000। तो जस्ट उससे पहले का, हम लोगों को फिगर लेना, तो 30,000 के जस्ट फिगर कितना है, 28,692, 28,632, जस्ट ये फिगर है। ये कौन से ईयर में है, नाइन्थ ईयर में, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 ईयर प्लस
और कितना पैसा चाहिए, तो 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 माइनस 28,632, तो और हम लोग को कितना चाहिए, 1,368। तो प्लस क्या कर दिया, 1,368 डिवाइड बाय ये किस में से लेंगे, कौन से में से लेंगे, तो ये हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 ईयर्स का, 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू में से लेंगे। तो 1,482 में से कितना ले ले, 1,368। तो इस तरह से हम लोग को कितना आ जाएगा, 1,368 डिवाइड बाई 1,482, तो ये कितना आ गया, 9.92 ईयर। ये कितना आ जाएगा, 9.92 ईयर। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ये क्या चीज़ था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था। क्या था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था। इसमें हम लोग सिर्फ क्या चीज़ कर लिए थे कि नॉर्मली देखो, जैसे एक एग्जांपल से देखो, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख। कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 25,000 पर एनम फॉर 5 ईयर। ठीक है, केई का रेट कितना दे रखा है, 10%। केई का रेट कितना दे रखा हुआ है, 10%। तो हम लोग अगर नॉर्मली क्या चीज़ निकालेंगे, यहाँ पे दोनों मेथड से सीखेंगे। अगर हम लोग नॉर्मली पे बैक पीरियड निकालते तो कैसे निकालते, तो ईयर आ जाता, ईयर में 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके बाद क्या करते थे, ईयर आ गया, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, कैश इनफ्लो, कैश फ्लो 25,000, 25,000, फिर 25,000, फिर 25,000, इस तरह से निकले लिखते थे। फर्स्ट ईयर में क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना आता था, 25,000 ही आ जाता था। सेकेंड में भी 50,000 आ गया। थर्ड में कितना आ गया, 75,000 आ गया। कैसे आया, तो 50,000 प्लस 25, 75 प्लस 25, 1 लाख आ गया। फिर कितना आ गया, 1,25,000। तो ये 1,25,000 किस में आया, सॉरी 1 लाख किस ईयर में आया, 4 ईयर में आया ना। तो यहाँ पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, पे बैक पीरियड कितना हो गया, 4 ईयर। कितना हो गया, 4 ईयर। इसी को अगर हम लोग कौन सा मेथड में ले जाएंगे, डिस्काउंटेड, क्या चीज़ में, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में ले जाएंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में, तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा। ईयर में कितना, 1, 2, 3, 4 और 5। कैश फ्लो कितना आ गया, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। ये फिगर डिफरेंट भी हो सकता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना ले लिए, 10%। 10% का कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.1। एक बार इक्वल टू करने से कितना आ गया, 0.909। फिर से इक्वल टू, तो 0.826, फिर 0.751, 0.683, 0.621, ये आ गया। मान के रखो इसमें 6 ईयर तक था, कितना ईयर तक था, 6 ईयर तक था। फिर 25,000, फिर से इक्वल टू कितना आ गया, 0.564, ये आ गया हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 इंटू 0.909, ये आ गया 22,725, 725। फिर 25,000 इंटू 0.826, तो ये कितना आ गया, 20,650। फिर नेक्स्ट में 25,000 इंटू 0.751, तो ये कितना आ गया, 18,775। फिर 25,000 इंटू 0.683, तो 17,075। फिर 25,000 इंटू 0.621, तो ये कितना आ गया, 15,525। फिर 25,000 इंटू 0.564, तो ये कितना आ गया, 14,100, ये आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फैक्टर। क्यूमुलेटिव फैक्टर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है, 22,725। सेकेंड में क्या हो जाएगा, 22,725 प्लस कितना कर देंगे, 20,650, तो ये कितना आ गया, 43,375। फिर ऐड कर देंगे कितना, 18,775, तो ये कितना आ गया, 62,150 थर्ड ईयर के लिए। फिर फोर्थ ईयर के लिए फिर ऐड कर दिए, 717,075, तो ये कितना आ गया, 79,225। फिर प्लस कितना कर दिए, 15,525, तो ये कितना आ गया, 94,750। फिर कितना ऐड करेंगे, 14,100, तो ये कितना आ गया, 100,108,850, ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग को कितना कैश आउटफ्लो कितना दे रखा था, 1 लाख दे रखा हुआ था। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था, 1 लाख। तो 1 लाख जस्ट बिफोर कब है, 5th ईयर में। तो 5th ईयर प्लस हम लोग को 1 लाख में कितना, और यहाँ पे 94,750 आया,
तो 1 लाख लाने के लिए, 1 लाख आउटपुट लाने के लिए हमको कितना और पैसा चाहिए? तो 1 लाख माइनस 94,750, तो कितना और चाहिए? 5,250। वो कौन सा से लेंगे हम लोग? वो सिक्स ईयर के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से लेंगे, मतलब 14,100 से लेंगे। कितना से लेंगे? 14,100 से। तो 5,250 डिवाइड बाई 14,100, तो ये कितना आ गया? 5.37 ईयर। ये कितना आ गया? 5.37 ईयर। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज़, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता है ख़त्म।